हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब तक की सबसे बड़ी खबर सभी एआरओ बीआरओ जेडआरओ ने डिक्लेयर की है। आर्मी की ऑफिशियल साइट पे अभी अपडेट है, ये जारी की है। आप सभी का जो एग्जाम 27 जून को होने वाला था, आप सभी का एग्जाम कोविड के चलते पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं 8 जून को ये अपडेट उन्होंने आर्मी की ऑफिशियल साइट www.joininindianarmy.nic पर जारी की। कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो 27 जून को होने वाला था, जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल एनएएसकेटी, आप सभी का एग्जाम है, ये कोविड के चलते आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। नई तिथि आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, यहां पर उन्होंने ये बताया है। तो आपका एग्जाम अब 27 जून को नहीं होगा, आपका एग्जाम आगे होगा। नई तिथि आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, तो डिमोटिवेट आपको नहीं होना है मेरे दोस्ती। कोविड के चलते ये सिचुएशन है, हालांकि ये बुरी खबर है आप सभी के लिए। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, पेपर का धुआं धुआं आप करने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते अपन कुछ भी नहीं कर सकते, आप सभी को पता है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के यू ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस तरह से पेपर ने आपको दौड़ाया है, आपको भी पेपर को दौड़ा दौड़ा के अच्छे रैंक हासिल करना है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पेपर है ये आपका नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, नई डेट आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। आपका पेपर एक बार के लिए 27 जून का कैंसिल हो गया है, रद्द नहीं हुआ है, कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, क्लियर है। बहुत सारे नौजवान बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर पेपर आगे चला गया है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो आर्मी स्टडी कोचिंग से पढ़ते हैं, एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। आप सभी की जो वैलिडिटी है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा। जब तक कोच वाले आपको जैसे ही नई डेट देंगे, तो उस डेट के अकॉर्डिंग उसकी वैलिडिटी को आपके एग्जाम तक हम बढ़ा देंगे, आपका वापस कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए बार बार आपको कॉल नहीं करना है, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी आर्मी स्टडी की है। बस आपको जोश जनून के साथ पढ़ाई करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि गुरुजी पेपर आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। वर्दी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, ये आपके लिए सूचना थी। तो बार बार आपको कॉल नहीं करना है, एक दो दिन रेस्ट करके वापिस उसी जनून के साथ आप वापिस आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।